वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएजी वी वन सेवन टू गवर्नेंस इशूज एंड चैलेंजेस के ब्लॉक थ्री के क्वेश्चन के बारे में ब्लॉक वन और ब्लॉक टू के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें आपको पूरा चर्चा किया गया था जो भी आपके क्वेश्चन हैं किताब में बीपीएजी वन सेवन टू में कुल आपके पांच ब्लॉक हैं ब्लॉक वन है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट ब्लॉक टू है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ब्लॉक थ्री जो आज हम लोग देखेंगे वो है गवर्नेंस इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स ब्लॉक फोर है लोकल गवर्नेंस और ब्लॉक फाइव है गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया ब्लॉक थ्री है गवर्नेंस इमर्जिंग प्रस्पेक्टिव इसमें कुल आ, जो यूनिट है यूनिट सेवन से लेकर के यूनिट ट्वेल्व तक है यूनिट सेवन है गवर्नेंस चैलेंजेस एंड चैलेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोसी यूनिट एट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस यूनिट नाइन है रोल ऑफ मीडिया यूनिट टेन है कॉरपोरेट गवर्नेंस यूनिट अलेवन है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनिट ट्वेल्व है जो लास्ट यूनिट है ब्लॉक थ्री का वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इस वीडियो में काफी ज्यादा यूनिट कवर किया जाएगा यूनिट सेवन से लेकर के यूनिट ट्वेल्व तक इसलिए बहुत सारे इसमें नहीं, जाएंगे, जो जरूरी नहीं होंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एग्जामिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन नंबर फोर है कॉम्प्रिहेंड द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन नंबर फाइव है एनालाइज दस प्रिटेनिंग टू द चैलेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी और कुछ क्वेश्चन है एक्सप्लेन दवर्नेस डिस्कसल डायमेंस आइडेंटिफाई दूस चैलेंजेस ऑफ गवर्नेस डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरो कुछ की वर्ड है जो आपको जानने हैं वो की वर्ड आपके सामने आ रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए यूनिट एट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस क्वेश्चन नंबर वन है प्रोवाइड ए कॉन्सेपच्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आई कहा जाता है क्वेश्चन नंबर टू है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ आई सी टी क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आई सी टी इनेबल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर फोर है डिस्क्राइब द आई सी टी इनिशिएटिव इन पब्लिक सर्विसेज एंड क्वेश्चन नंबर फाइव है एनालाइज द इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन

Media in a good governance. Analyze the importance of media in securing people's participation, public opinion, human rights, and social change. Throw light on the challenges faced by media. What do you understand by media? List the features of media. How does media promote democracy? What role does the media play in securing people's participation? What is the impact of media on public opinion? Explain the role of media in promoting accountable governance. Last, how does media promote rule of law? कुछ की वर्स हैं पेड न्यूज और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसके बाद यूनिट एन यूनिटेन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से हैं एलोबरेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनिबरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रेस द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कस द इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपेन्सिस इन द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस Explain the concept of significance of corporate governance. Discuss the principle of corporate governance. Discuss the model of corporate governance. Trace the growth of corporate governance in Indian scenario. सारा क्वेश्चन आपके corporate governance से ही है। देखिए वीडियो में कई सारे जैसे कीवर्ड्स को बताया जाता था वो इस वीडियो में नहीं होने वाला है वरना ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं। Next है unit 11 sustainable human development. Provide a conceptual framework of sustainable development. Explain the concept of human development. गिव एन ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं नेक्स्ट यूनिट 12 ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिस्कस द नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हाईलाइट द वेरियस मेनिज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक एन ए ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रैक्टिस explain the concept of transparency and accountability give reason that necessitate transparency and accountability list the various mechanisms for ensuring transparency and accountability kuch keywords hain e governance swagat yahi sare keywords hain yahi sare question the jo aapke block 3 mein the और कई सारे टॉपिक को इसमें छोड़ा भी गया है अगर आपको video पसंद आए तो video को like कर सकते हैं अगर आपको next video चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में comment करके बता सकते हैं इग्नू से संबंधित latest information updates के लिए आप हमारे telegram channel पर भी join कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग